बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो लेक्चर नंबर हमारा है, क्वेश्चन नंबर 7 है, उसका जो हमने लास्ट आंसर डिस्कस किया था उसके साथ ही आप इस पार्ट को भी ऐड करेंगे। आंसर के अंदर आप इसको भी ऐड करेंगे। आप जो आपने इक्वेशंस लिखी थी उसके नीचे से आप स्टार्ट करेंगे। एट इक्विलिब्रियम स्टेट द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन, और के एफ ए बी इज इक्वल टू के आर सी डी, और के एफ ओवर के आर की वैल्यू लिखेंगे। इज इक्वल करके आपने इन दोनों की वैल्यू लिखनी है, और सी और डी जो हमारा रिएक्टेंट है वो ऊपर आ जाएंगे और ए बी नीचे चला जाएंगे। तो ये जो है हमारा एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट ऊपर आ जाएंगे और रेट ऑफ एक्शन नीचे आ जाएंगे। सो जो के एफ ओवर के आर होता है वो के सी के बराबर होता है। यहाँ पर बताया गया ये जो पूरी वैल्यू है वो किसके बराबर है, के सी के वैल्यू के बराबर है। और के सी जो है इज अ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज। और के सी जो है हमने क्या कहा कि ये हमारा जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, तो हमने जो है इसकी इस वैल्यू की जगह, इस पूरी वैल्यू की जगह के एफ ओवर के आर की जगह के सी ऐड कर दिया, क्योंकि हमने कहा कि इसके इक्वल होता है और ये पूरी की पूरी वैल्यू उस तरह से नीचे आ गई। तो यहाँ पे जो है हम डिस्कस कर रहे थे, तो लॉ ऑफ मास एक्शन डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट एंड द रेट ऑफ द रिएक्शंस। तो ये जो है आपने ये पूरा का पूरा जो सोल्यूशन आपको बताया गया, ये क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट है, ये आपने उसमें ऐड करना।